कितनी सुंदर जगह है। डैडी वहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है ना। ओए कितने कमाल का फूड आया है ना। नहीं नहीं, मेरे पास 2 करोड़ नहीं है, प्लीज मेरे बेटे को वापस कर दो। हेलो हेलो सुनो। क्या हो गया भाई साहब? वो लोग मेरे बेटे को पकड़ कर ले गए, ये सोच कर कि मैं बहुत बड़ा करोड़पति हूँ। ये सच है कि एक जमाने में मैं था बड़ा करोड़पति आदमी, पर अब नहीं हूँ। पर ये लोग अब मुझे करोड़पति समझ रहे हैं। चिंता मत कीजिए भाई साहब, हम लोग जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। सुनो बेटा, ये कौन है? मैं तुम लोगों की प्रॉब्लम सुना, मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। बाबा आप क्यों मदद करेंगे हमारी? तो तुम इसकी मदद क्यों कर रहे हो? नहीं, लेकिन हम लोग मुसीबत में लोगों की मदद करते हैं। ठीक है, इंसान को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी ये दुनिया चल सकती है। मेरे पास एक मैजिकल बॉक्सिंग ग्लव है, अभी तुम लोग सभी लाइन में खड़े हो जाओ। रेडी। यही है हमारे मैजिकल ग्लव का कमाल। जिस किसी को भी इस ग्लव से मारोगे तो उसके मुंह में से एक गोल्डन कॉइन बाहर निकलेगा। ये तो कमाल हो गया, हमारे 20 साल के तजुर्बे में हमारे साथ पहले कभी नहीं देखा। कंट्रोल घसीटे, कंट्रोल। ये ग्लव लेकर जाओ और उस किडनैपर से बच्चे को छुड़ा कर मेरा ग्लव लौटा देना। मैं आप लोगों को यहीं पर बैठा हुआ मिलूंगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू वेरी मच। भाई साहब आप यहीं रुकिए, हम आपके बेटे को लेकर अभी आते हैं। चलो। बच्चा कहाँ है? मैं हूँ थम्बी अकेला। थम्बी अकेला को अकेला मत समझो, मेरे साथ आए बहुत भी। अच्छा, तो इस ग्लव को मारने से सोने का कॉइन निकलता। हट्टे, मेरे को उल्लू बना था। ट्राई करके देख लो, 2 करोड़ की कीमत के कॉइन्स निकालो और फिर हमें बच्चा दे दो। अयो ठीक है ठीक है, चलो मैं ट्राई करता। सभी लाइन में खड़े हो जा। अयो अयो, सच में सोने के कॉइन से निकले थे। ये ग्लव तो बहुत कमाल का होता, तुम लोग 5 लोग होता और मेरे को चाहिए होता 2 करोड़ के कॉइन्स। अब 2 करोड़ को 5 से डिवाइड करता तो 40 लाख होता, तो इसका मतलब है हर एक को 40 लाख भूसे पड़ेंगे जी। अयो सभी खड़े हो जाओ लाइन में। अच्छा अब मैं बारी बारी मारता कि एक साथ मारू तुम लोगों को। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हें 2 करोड़ रुपए की कीमत के कॉइन्स लेने हैं, ना कि 2 करोड़ कॉइन्स। ना ना, मेरे को तो 2 करोड़ चाहिए होता, या तो रुपए दो या तो कॉइन्स। अब मैं 2 करोड़ कॉइन्स लूंगा और तुम में से हर एक को
40 लाख बार भरेगा। रुको रुको, तुम कहाँ भागता? अभी तो ये बहुत कम कॉइन्स होता। भागो रे, भागो, भागो, अरे नहीं तो कोई और ही सही। चलो, हमें कॉइन्स से मतलब है। बाहर जाके लोगों को घूस से मार के कॉइन्स निकालते हैं। अरे मां, क्या कर रहे हैं? एक काम करते हैं, चुपचाप जाके उसके हाथ से क्लब छीन के ले आते हैं। हाँ, ये ठीक है। ये तो क्लब का मिसयूज कर रहा है। भागो! बॉस, सब लोग भाग गए। आज की कमाई तो हो गई, कल फिर कमाएंगे। चलो, इसे किसी भी तरह रोकना होगा। डॉक्टर झटका, जल्दी से कोई आइडिया दो, जल्दी। मेरी यार, एक मिनट रुको, मेरे पास एक आइडिया है। ओए, मैं इसके कमाल बताता हूँ यार। सुनो, ओए मेरे पैर यार, लेकिन ये कुछ ही देर काम करेगा, बस कुछ ही देर में ग्लब खेल लेना। अरे बढ़िया चीज है ये तो। मोटू, ये यहाँ पे दो, अब चलो। यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो तुम लोग आए हो। भाई साहब, आप इस क्लब का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब तुम मेरे को बताओगे, तुम भी अकेला को? अकेला मत समझो। आप लोगों को इससे मार रहे हैं तो सारी दुनिया को क्लब्स के बारे में पता चल जाएगा। अब तक सिर्फ हमें इसके बारे में पता था। आपकी हरकत से सभी को पता चल जाएगा। आपको कॉइन से मतलब है, तो आप ये पंचिंग बैग ले लो और आप इसमें जितनी बार भी पंच मारोगे उतनी बार इसमें से भी कॉइन्स निकलेंगे। सच में? लेकिन पहले ग्लोब हमें देता। सच में आप ट्राई करके देख लो। देखा? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा होता जी। मेरे को किसी को मारने का भी जरूरत नहीं होता, ना ही किसी से डरने की जरूरत। घर में बैठे बैठे जिंदगी भर कॉइन्स निकालूंगा और ऐश करूंगा। ये लो आपका ग्लव। ये तो बहुत बढ़िया है जी। भाई साहब, बच्चे को तो छोड़ दीजिए। पापा, 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 बेटा यहाँ आ जाओ। आ जाओ यार, हम तुम्हारे पापा के दोस्त हैं। अंकल अंकल, ये अंकल तो बहुत अच्छे हैं। इन्होंने मुझे चॉकलेट खिलाई। हाँ बेटा, मुझे पता है ये अंकल बहुत अच्छे हैं। चलो चलते हैं। अरे कॉइन्स गिरना बंद हो गया जी। अयो अयो अयो, ये कॉइन्स तो गुल हो गए। रुक जाओ, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। धोखा दिया? अरे धोखा नहीं देंगे तो और क्या करेंगे? तुम कौन सा ईमानदारी का काम कर रहे हो? बच्चों को किडनैप करते हो? हाँ, पकड़ो इनको, मारो इनको, इनसे ग्लव छीन लो। हेलो, इसी का तो इंतजार था। थैंक यू चिंगम जी, आपने सही टाइम पे कॉल करके हमको इन्फॉर्म किया।
थैंक यू, आपके वजह से आज हम इनको पकड़ पाए। अरे पर इनका मेन बॉस तो यहाँ है। यू आर अंडर अरेस्ट। तुम बच्चों को किडनैप करके पैसे मांगते हो, अब जेल चलो, तुमको अच्छा सबक सिखाता हूँ। अरे मेरा बेटा। पापा पापा। थैंक यू मोटू पतलू जी, आपने उन गुंडों से मेरे बेटे को बचाया। थैंक यू पापा जी, आपने हमारी मदद की। तुम लोग वाकई में ईमानदार लोग हो। अगर तुम लोग ईमानदार नहीं होते तो ये ग्लव वापस करने नहीं आते। अच्छा लगा ये देख के कि तुम जैसे ईमानदार लोग आज भी दुनिया में है।